अंबानी ने अपने पोते का जन्मदिन कैसे मनाया? जिंदा शरीर पानी में डूब जाता है, पर मृत शरीर पानी में तैरने लगता है। और इन्फोसिस के फाउंडर ने क्यों छुए रतन टाटा के पैर? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में बने रहना। दोस्तों, जापान के टोक्यो में समुद्री तूफान और भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है। 2006 के पहले तक तो बाढ़ की वजह से जापान के टोक्यो को काफी जान माल का नुकसान होता आया था, लेकिन 2006 में टोक्यो में अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स बनाए गए, जिनकी डायमीटर लगभग 30 मीटर तक थी और गहराई लगभग 70 मीटर तक थी। ये चैम्बर्स को बाढ़ के पानी के निकासी के लिए बनाया गया था, और 2006 के बाद इन चैम्बर्स ने टोक्यो को काफी बार बाढ़ के पानी से बचाया। दोस्तों, एक जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है, लेकिन एक मृत शरीर पानी में अपने आप तैरने लगता है। इसके पीछे का साइंटिफिक तर्क क्या है? दोस्तों, पानी में वो चीज डूबता है जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होता है। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारी शरीर की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इस वजह से हम लोग डूबने लगते हैं। लेकिन डूबने के बाद मृत शरीर में पानी घुस जाता है और अंदर के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और अंदर गैस बनाने लगते हैं, और उसी गैस की वजह से हमारी बॉडी का डेंसिटी पानी से कम हो जाता है और इस वजह से मृत शरीर पानी में अपने आप तैरने लगता है। तो एक बार इन्फोसिस के फाउंडर श्री नारायण मूर्ति को बोला गया कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीजिए सर रतन टाटा को। नारायण मूर्ति ने रतन टाटा को अवार्ड देते ही उनके चरण स्पर्श किए, उनके पांव छुए। दोस्तों, ये हमारे देश की सभ्यता है, और सभ्यता से ज्यादा ये स्वयं सर रतन टाटा हैं, जिनके कंपटीटर भी आकर उनका पांव छूता है। ये टीसीएस चलाते हैं, वो इंफोसिस चलाते हैं, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं, इसलिए तो कहते हैं कंपटीटर भी जिनके पांव छुए वो है। एशिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के घर में पार्टी हो और तहलका न मचे, ये तो हो ही नहीं सकता, पर यहाँ तो मामला कहीं उससे भी ज्यादा था। मुकेश अंबानी अपने पहले पोते का जन्मदिन मना रहे थे। 10 दिसंबर 2021 को अंबानी ने अपने पहले पोते का जन्मदिन मनाया, जहाँ कई बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटी समेत कई बिजनेस टाइकून आए। पार्टी में अरिजीत सिंह ने अपने मखमली आवाज का जादू बिखेरा। मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए प्राइवेट जेट उपलब्ध था। इस बर्थडे में 100 ब्राह्मण ने पूजा किया, वहीं हजारों अनाथ बच्चे को गिफ्ट देकर खाना खिलाया, और अंबानी के पोते को करोड़ों के गिफ्ट मिले। ऐसे और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।